स्वागत है आप सभी को अवधेश सिंह आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग 2 साल का जो भी ट्रेड है आईटीआई में, उन सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बहुत ही अच्छा सीरीज लेकर आए हैं। जो 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आप लोगों को 50 में 50 आ जाएगा। और आसानी से अगर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो और आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो बाबू, चलिए देखते हैं हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला जो चैप्टर है, इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश ग्रामर के बारे में जो दिया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों को एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ जो पढ़ाएंगे उसमें से ही पूछेगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसको 1 से 2 बार पढ़िए। चलिए देखते हैं। द प्लम्बर डैश द पाइप्स स्टडी। स्टडी यानी क्या होता है? स्टडी के मतलब होता है बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल का मतलब होता है कि ये कौन सा टेंस है? सिंपल सी बात है, कौन सा टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में हम कैसे सिंबल सीधा से देखते हैं, वाज का प्रयोग होता है, वाज में होगा। और वी टू क्या होगा? वर्ब होगा, जो वी टू होगा, यानी आपका डी आंसर इसमें सही होगा। वाज रिपेयर तो होगा ही नहीं, क्योंकि रिपेयर आपका वी वन दिया हुआ है, तो ये डी आंसर सही हो जाएगा आपका। द प्लम्बर वाज रिपेयर्ड द पाइप्स यस्टरडे, ठीक है, यानी प्लम्बर ने कल पाइप को मरम्मत की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कुमार डैश ए गुड कारपेंटर, यानी कुमार के इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको भराएगा, इसमें से आपको जानकर बताना है। तो आर तो होगा नहीं, क्योंकि बहुवचन है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। कुमार इज क्या हो जाएगा आपका? गुड कारपेंटर, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है कम टुमारो एंड फिक्स द डोर। नो यहाँ पर होगा, नो दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस कौन सा है? माने कम टुमारो एंड फिक्स द डोर, ठीक है, मतलब कॉल आना और दरवाजा को क्या करना? फिक्स करना, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव तो है नहीं, इंट्रोगेटिव रहता था क्वेश्चन मार्क रहता है। इंपरेटिव हो सकता है, आज्ञा सूचक हिंदी में बोलते हैं उसको, आज्ञा सूचक वाक्य, यानी जो कोई भी आदेश देता है या अनुरोध करता है वो क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कम टुमारो एंड फिक्स द डोर, नो दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को क्या माने, कैसे जानते हैं कौन सा सेंटेंस है? तो इंट्रोगेटिव है नहीं, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक्सक्लामेटरी में क्या, एक्सक्लामेटरी में विस्मयादी बोधक का सिंबल ऐसा रहता है, सिंपल सी बात है। अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में विस्मयादी बोधक का सूचक दिया रहेगा तो हम समझेंगे क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो ये हमारा क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर दे रहा है या क्या कर रहा है? अनुरोध कर रहा है कि कल आकर हमारे दरवाजे को क्या करना है? फिक्स करना है, तो ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ इफेक्टिव द सीटीएस ट्रेनिंग हैज बीन। कह रहा है कि सीटीएस प्रशिक्षण कितने प्रभावी रहा, मतलब हाउ इफेक्टिव द सीटीएस ट्रेनिंग, सीटीएस जो ट्रेनिंग है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो कैसे कितना प्रभावी रहा, इफेक्टिव रहा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अभी बताया आपको, यहाँ पर देखिए सिंबल दिया हुआ है किसका है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखेंगे इसमें कहाँ है, सी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अगर विस्मयादि बोधक या एक्सक्लामेटरी साइन दिया है तो हम सिंपल सी बात है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जुड़ेंगे, वहाँ पर टिक मारेंगे, सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस वी शुड बी, मतलब कह रहा है कि अगर आप सीनियर को या अपने बॉस को मतलब संबोधित करना है, एड्रेसिंग करना है, तो आप कैसे करिएगा? तो आपको इसमें से इम्पोलाइट तो होगा नहीं, इनफॉर्मल, फॉर्मल हो जाएगा इज राइट आंसर। देखिए फॉर्मल क्या होता है कि कभी भी आप कहीं ऑफिशियली व्यक्ति से जुड़ते हैं या ऑफिस में जाते हैं या किसी मतलब संस्था में जाकर बातें करते हैं ऑफिस रिलेटेड, तो आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मली उसमें होगा, फॉर्मली होगा। लेकिन इनफॉर्मल जैसे फ्रेंडों से हम लोग बात करते हैं, घर अपने फैमिली में बात करते हुए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये कभी भी अपने बॉस को चाहे अपने सीनियर को एड्रेसिंग करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग? फॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम से करेंगे। तो इज राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं। द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडीज एग्जीक्यूटिव, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, लेडीज एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन मॉडल्स, द कस्टमर आस्क्ड डैश टू मेंशन द कोस्ट मोबाइल। कहने का मतलब है एक ग्राहक है जो एक महिला दुकानदार है, उससे क्या कह रहा है कि डिफरेंट मॉडल और चाहे डिफरेंट प्रकार के मोबाइल दिखाने के लिए कर रहा है।
तो देखिए यहाँ पर द कस्टमर आस्क्ड डैश द मेंशन द कुछ द मोबाइल आस्क्ड, देखिए किससे पूछेगा कस्टमर, किससे पूछेगा लेडीज से, तो लेडीज जो होगा लेडीज जो होगी इसमें बताना है आपको हीज या हर या हिम का प्रयोग होगा। तो कभी भी लेडीज के लिए जैसे फीमेलाइन जेंडर के लिए, फीमेल के लिए हम लोग हर का प्रयोग करते हैं, या इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। और वहीं मेल रहेगा मिसलाइन जेंडर तो हम लोग हीज के प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेडीज क्यूटिव है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द आईटीआई प्रिंसिपल कॉज मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो हॉल टिकट फॉर द सिटी एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ पर। और देखिए अभी को बताएं आपको जो मेल होता है वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम हीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, और प्रिंसिपल आस्क्ड, आस्क्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा ऑब्जेक्ट यानी हीम हो जाएगा, क्या होगा ऑब्जेक्ट हीम। मैस्कुलाइन जेंडर में यानी मेल में भी हम लोग हीम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। टू शो, शो यानी मनोज के बारे में बात हो रहा है, तो उसका हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड शो करेगा, तो उसके लिए हम मनोज के लिए हम कौन सा इसमें प्रयोग करेंगे, मनोज के लिए हम लोग हीज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हीज, हीज का प्रयोग करेंगे तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हीम और हर, हीम और यहाँ पर क्या भराएगा हर भराएगा, ठीक है ना। मतलब पुरुष जात, पुरुष वाचक जो भी होता है ना, पुरुष, पुरुष का जो बोधक रहते हैं वहाँ हर का प्रयोग होता है, ठीक है। और वहीं नहीं सॉरी हीज का प्रयोग करा होता है, ये नंबर सही आंसर होगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा ये सही आंसर हीम और हीज होगा, हीम और हीज होगा। हीज जो होता है आपको मेल के लिए या किसी पुरुष का बोध कराता है तो वहाँ पर हीज का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाय हाउ आर यू व्हाट्स अप देयर एग्जांपल ऑफ, ये कैसा कम्युनिकेशन है, आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये कैसा कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पोलाइट कम्युनिकेशन। तो देखिए ये अगर हाई कर रहा है, हाई करेगा तो ये सब आपको बताए हैं कि हाई करना, ये उसके बदले में हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो हाई जो कर रहे हैं ना ये आपका इनफॉर्मल हो जाएगा, वहीं गुड मॉर्निंग बोलते तो क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, या नमस्ते बोलते तो यहाँ पर हाई बोल रहे हैं, हाउ आर यू ऐसे बोल रहे हैं, तो ये क्या मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंडली बात कर रहे हैं किसी से, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाउ डू यू कम टू वर्क व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन देयर इज एग्जांपल ऑफ। अब देखिए यहाँ पर आप मतलब आप काम पर कैसे आते हैं और आपकी योग्यता क्या है ऐसे पूछा जाता है, तो इसका मतलब क्या है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, क्या है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, इफ़ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रोसरी स्टोर यू विल, करने का मतलब है जब आप अपने सीनियर से या चाहे अपने सुपरवाइजर से किराने दुकान पर मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है क्या करिएगा, तो वहाँ पर क्या करिए सबसे पहले उसका अभिवादन करिए, ग्रीट हिम फॉर हर फैमिली, ठीक है फॉर्मली। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ग्रीट हिम उसको अभिवादन करना करिएगा, और क्या है हर फॉर्मली, किस तरीके से फॉर्मली तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है व्हेन यू बैरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ट्रेनिंग वी शुड से, करने का मतलब है जब आप स्क्रू ड्राइवर किसी से उधार मांगिएगा तो कैसे मांगिएगा, जब भी हम किसी वस्तु को हम किसी दूसरे व्यक्ति से मांगते हैं जो कि उसका है तो हम उसको कैसे मांगेंगे, यहाँ पर देखते हैं गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, नहीं कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर इज राइट आंसर, कहने का मतलब है क्या आप मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब देगा कि नहीं देगा उस पर डिपेंड करता है, हम पर उसको कैसे बोलेंगे कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर इज राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम 12 नंबर, द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर टू डिजाइन ए बॉक्स विथ गिवन डायमेंशन व्हेन इट वाज अप्रूव्ड द मेड मेनी मोर फॉर द कंपनी, कहने का मतलब है एक कंपनी ने डिजाइन करने के लिए कारपेंटर को बॉक्स दिया जो उसका डायमेंशन दिया हुआ है, जब उसको जो बॉक्स बना देने के बाद वो क्या किया अप्रूव्ड कर दिया था, ही वॉज मेड मेनी मोर, जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो क्या बोलेगा बहुत सारे क्या बनाइए बॉक्सेस बनाइए, बहुत सारे बॉक्सेस बनाने के लिए बोलेगा कौन कंपनी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या चीज़ बॉक्सेस, क्या हो जाएगा
बॉक्सेस इज राइट आंसर। आपके यहाँ पर देखिए बॉक्स तो होगा नहीं, कैसे बहुत सारे बॉक्सेस को देगा बनाने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बॉक्सेस हो जाएगा, मेनी मोर हो जाएगा। बॉक्स का प्रयोग होगा नहीं, बहुवचन का प्रयोग करेंगे ठीक है ना, तो यहाँ प्लूरल का प्रयोग करेंगे तो बॉक्सेस हो जाएगा ठीक है। कैबिनेट तो होगा ही, नंबर होगा नहीं ठीक है, आंसर आंसर हो जाएगा बॉक्सेस, सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं मैग्निफाइंट, मैग्निफाइंट लार्ज थीन लेंदी स्क्वायर ब्राइट शार्प हार्ड आर एग्जाम्पल। ये कैसे शब्द है, कैसे वर्ड है, ये कैसे वर्ड है बताना है। लार्ज, लार्ज किसी जैसे कोई भी चीज़ लार्ज है उसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, विशेषता बता रहा है। थीन है मतलब पतला है, लेंदी है स्क्वायर है ब्राइट है, ये सब चीज़ जब बता रहा है तो उसकी किसी भी चीज़ का क्या बताता है, विशेषता बताता है, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्या ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है ठीक है ना, उसको वर्णन करता है, ये डिस्क्राइबिंग इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, टेबल वायर सॉकेट केबल हैमर नेल पाइप मोटर रेफ्रिजरेटर एग्जाम्पल ऑफ। कहने का मतलब टेबल जो है, वायर है, ये सब चीज़ क्या है, नाम है। सॉकेट ये सब चीज़ क्या है, आपको नाम है, तो नाम है आपका इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेमिंग वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेमिंग वर्ड हो जाएगा, नेमिंग वर्ड इज राइट आंसर। मतलब ये टेबल वायर सॉकेट ये सब चीज़ किसी वस्तु का नाम है, तो जब नाम है तो एक ऐसा वर्ड है, नेमिंग वर्ड है, इज राइट आंसर इज नेमिंग वर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिक्स मेजर पुल लिफ्ट ग्रीन मिक्स ऑपरेट। देखिए यहाँ पर मिक्स करते हैं किसी भी पदार्थ को या किसी वस्तु को, हम एक दूसरे में मिक्स करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग एक्शन कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो ये भी एक्शन कर रहे हैं, पुल ढकेल रहे हैं, लिफ्ट उठा रहे हैं, ये सब चीज़ क्या है, एक्शन वर्ड है। क्या है, एक्शन वर्ड हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सब जो है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क होता है, ये कैसा होता है, पंचुएशन मार्क होता है। क्या होता है, पंचुएशन मार्क होता है ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम्प्लीट द गिवन असाइनमेंट बाई मंडे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहने का मतलब है जब आप किसी से अनुरोध करते हैं कि सोमवार तक अपना क्या असाइनमेंट या आपका पूरा काम खत्म करके देना है, तो आप कैसे बोलिएगा उसको, जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या है, रिक्वेस्ट करिएगा तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा ठीक है ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गेस्टर्स फेशियल एक्सप्रेशन आई कॉन्टेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ करें, गेस्टर फेशियल एक्सप्रेशन आई कॉन्टेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। ये कैसे मतलब कम्युनिकेशन है आपको बताना है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बोल कर लिख कर अपनी मतलब भाषा के द्वारा हम किसी व्यक्ति को समझाते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपको, वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन हम किसी अपने हाव भाव से, अपने फेस के एक्सप्रेशन से या आई कॉन्टेक्ट के माध्यम से हम किसी की कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है ठीक है। इज राइट आंसर इज बी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी, प्लीज़ चेक देम इमिडिएटली एंड शेयर द डिटेल्स विथ मी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहने का मतलब है, मतलब हम कार्यस्थल पर गए, वहाँ सुरक्षा के बारे में हम शिकायतें मिली, तो कृपया इनकी तुरंत जांच कराएं और मेरे साथ जो भी वहाँ पर घटनाएं हो रही है, जो भी चाहे सेफ्टी से रिलेटेड वहाँ पर शिकायतें आ रही है, क्या वो सही है, इस जांच करके हमको बताइए। तो ये आपको क्या करा है, प्लीज़ कृपया, यहाँ पर देखिए एक अच्छे लैंग्वेज का प्रयोग करके आपसे पूछ रहा है, जैसे सीनियर है आपके, आपको वहाँ पूछेगा कि यहाँ पर हमको गड़बड़ी दिख रही है, आप उसको जांच करके हमको बताइए, तो ये सब चीज़ जो हो जाएगा ना, आपको फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन हो जाएगा, फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन हो जाएगा ठीक है ना, अपने कार्यस्थल पर फॉर्मल कम्युनिकेशन किए ठीक है। इज राइट आंसर हो जाएगा बी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वा ग्रीटिंग हेल्प यू टू, मतलब कहने का मतलब अभिवादन करना आपकी क्या मदद करता है, मैंने किसी से आप अभिवादन करते हैं, कम्युनिकेट करें तो क्या आपको मदद करे मिलेगी, उससे आपको मदद मिलती है कि आप उससे कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन आपसे अच्छा होता है, मतलब किसी से आप नमस्कार बोलते हैं तो आपसे क्या होता है, जुड़ाव बढ़ता है थोड़ा,
तो ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, इस्टेब्लिश द कनेक्शन विथ समवन वी मीट द फॉर्मल इनफॉर्मल सिचुएशन। सही आंसर हो जाए यही, जब आप किसी व्यक्ति से आप अभिवादन करते हैं, नमस्कार बोलते हैं, तो उसके क्या हो जाए, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, विथ समवन वी मीट द फॉर्मल इनफॉर्मल सिचुएशन, और कभी भी आप किसी जगह पर मिलते हैं तो फॉर्मल इनफॉर्मल उनसे बातें करते हैं, तो ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अभिवादन करने से आप किसी व्यक्ति से क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, मतलब उससे जुड़ाव बढ़ता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड आईटीआई, इट इज़ करें, मतलब आईटीआई के किसी इंस्ट्रक्टर से, चाहे शिक्षक से, चाहे कॉलेज के किसी भी टीचर से, प्रोफेसर से, आप कॉलेज में या कॉलेज के बाहर मिलते हैं तो आप उससे कैसे बिहेव करिएगा, किस तरीके से कम्युनिकेट करिएगा। तो आप किसी भी टीचर से या किसी आपके सीनियर से अगर बात कहीं आपके कॉलेज में मिले या ऑफिस में मिले या बाहर मिले, तो उससे हम लोग कैसे करेंगे, ऑलवेज फॉर्मली बात करेंगे, ठीक है ना, ऑलवेज फॉर्मली मैंने क्या होता है, औपचारिकता होता है, ठीक है ना, और इनफॉर्मल मैंने औपचारिक का होता है, तो हम लोग कैसे बात करेंगे, ऑलवेज फॉर्मली बात करेंगे, कहीं भी कोई सीनियर मिलता है या हमारे टीचर मिलते हैं तो उसके कॉलेज में या कॉलेज के बाहर हम लोग ऑलवेज फॉर्मली उनसे कम्युनिकेशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कंटेस्ट ऑफ इंटरव्यू डैश ग्रीटिंग टू बी, कहने का मतलब है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है उसको अभिवादन करते हैं तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, अभिवादन कर रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, आपका फॉर्मली हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मली हो जाएगा। जैसे कि आपको बताए थे इनफॉर्मल कहाँ होगा, फैमिली में, दोस्तों में जो बातें करते हैं या पार्टी में कहीं जाते हैं वहाँ पर जो भी बातें करते हैं वो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मली हो जाएगा। ऑफिस में या अपने सीनियर से बात करते हैं या क्लासरूम में बातें करते हैं टीचर से, तो वो सब चीज़ क्या हो जाएगा, फॉर्मली हो जाएगा। तो वही इंटरव्यू देने गए हैं, किसी ऑफिस में गए होंगे तो वहाँ पर आप उसके अभिवादन कर रहे हैं तो ये कैसी कम्युनिकेशन होगी, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू मेक द इंक्वायरी एट ए बैंक इट इज़ डैश सिचुएशन, जब आप बैंक में जाकर किसी चीज़ के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, जब बैंक में पूछताछ करते हैं तो ये किस स्थिति में होता है, कैसा कम्युनिकेशन होता है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। कैसा होता है ये, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडेमिक इट इज़ बेटर टू देन शेक हैंड एंड से नमस्ते डन, मतलब कहने का मतलब है जब कोरोना महामारी था तो उस समय हाथ मिलाने से या नमस्ते बोलने से क्या अच्छा है, वेव हैंड, हाथ हिलाए, और होल्ड हैम, मतलब हाथ को जोड़कर उनको नमस्कार बोले, ये हो जाएगा सही आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए गुड डैश हेल्प टू क्रिएट गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, कहने का मतलब है कि जब एक अच्छा प्रभाव छोड़ना होता है तो ये आपको क्या मदद करता है, जब किसी व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव छोड़ना है तो ये कैसे, मतलब उस पर आप प्रभाव छोड़ सकते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फैमिली तो होगा नहीं, फ्रेंड होगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन देकर उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसके व्यक्ति पर क्या अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देकर, ठीक है, इस राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए इस सीरीज में हम 25 क्वेश्चन देखे, तो इसी तरह हम 25-25 क्वेश्चन हर वीडियो में लाते जाएंगे, आप लोग अंत तक देखिएगा, और इससे हम गारंटी देते हैं कि आप लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आप लोग 50 में 50 एकदम बना कर आइएगा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो आप लोग सभी वीडियो को देखिए, और अगर हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त करें और वीडियो को आप लोग आसानी से देख पाए। तो चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।